जनपद के निपनिया गांव के एक सैनिक का परिवार आज न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। अपने सैनिक पिता को सम्मान दिलाने के लिए बेटा सीएम से लेकर डीएम तक अपनी गुहार लगा चुका है, मगर आज तक उसे कहीं से न्याय नहीं मिल पाया और पिता को सैनिक कोटे से सरकार द्वारा मिली जमीन पर दबंग धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया गांव के रहने वाले विनोद कुमार भले ही अब दुनिया में नहीं है, मगर आज भी उनका परिवार अपने मुखिया के सेना में होने की सजा भुगत रहा है। बेटे मुकेश अपने पिता को आज भी वो सम्मान नहीं दिला पाए जो सम्मान उनके पिता को सरकार से मिला था। घर के आंगन में पड़े मेडल और सर्टिफिकेट इस बात की गवाही भले ही दे रहे हैं कि सेना में रहते हुए विनोद कुमार ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। जब वे रिटायर हुए तो 10 अक्टूबर वर्ष 2014 को जीवन यापन करने के लिए सैनिक कोटे से एक बिस्वा जमीन आवंटित हुई। सैनिक विनोद कुमार ने सोचा जब सरकार ने उन्हें सम्मान के तौर पर जीवन यापन के लिए जमीन दी है तो फिर उस पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है। धीरे धीरे समय बीता और किडनी की बीमारी से सैनिक विनोद कुमार की मौत वर्ष 2018 में इलाज के दौरान हो गई। इससे पहले विनोद की पत्नी की भी मौत हो चुकी है। अब दिवंगत सैनिक विनोद के बेटे मुकेश के कंधों पर परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई। मुकेश अपनी नौकरी छोड़कर पिता और माता की सेवा करता रहा, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया। मुकेश ने सोचा पिता को आवास बनाने के लिए सरकार ने जो जमीन पट्टे में दी थी उस पर मकान बनाकर पिता के सपनों को पूरा करें। तभी मुकेश ने देखा जिस जमीन को सरकार ने सैनिक कोटे से उनके पिता को आवास के लिए पट्टा किया था उस पर अनिरुद्ध नाम के एक शख्स द्वारा कब्जा जमाया जा रहा है। इसकी शिकायत करने में डीएम और एडीएम के पास पहुंचे, मगर लेखपाल द्वारा अधिकारियों को यह कहकर बरगला दिया गया कि सैनिक विनोद कुमार को जिस जमीन का पट्टा सरकार से हुआ है उसका कब्जा और कब्जा करने वाले शख्स अनिरुद्ध का घाटा संख्या 429 खा एक ही है। ऐसे में अधिकार पहला सैनिक के परिवार का है, उसके बाद पीछे बची जमीन पर दूसरे काश्तकार की जमीन है। बावजूद इसके जबरन तरीके से सैनिक के हिस्से की जमीन पर भी दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। सैनिक के परिवार पर प्रशासन को जरा सी भी दया नहीं आ रही और न्याय के लिए दिवंगत सैनिक का बेटा इधर उधर भटकने को मजबूर है। नहीं मान रहा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज डीएम से मैडम से मिले थे हम, तो मैडम ने कहा आश्वासन दिया है कि काम आपका हो गया, काम रोका जाएगा और उनका अवैध निर्माण हटाया जाएगा। नए सूबेदार थे फौज में, कारगिल में दिए थे सेवा और उसके बाद जम्मू यहाँ पर सेवा देके अंबाला। उनकी मृत्यु हुई थी, किडनी खराब हो गई थी सेना में रहते हुए। 4 साल वो एडमिट थे कमांड हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई 1.5 साल पहले हुई लॉकडाउन के दौरान। सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि वह हमारी जमीन को दिलवा दे, हमारे पिताजी का सम्मान बच जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको उनकी जमीन भी नहीं चाहिए। फादर के नाम से पट्टा हुआ है ये, अभी तक इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। सर वो कह रहे हैं कि हाँ एप्लीकेशन है, हम लोग दे देते हैं, उसके बाद रोकने के ऑर्डर भी हो जाते हैं और रुकवाते हैं, उसके बाद फिर काम चालू हो जाता है बाद में। बस यही चाहते हैं कि हमारे फादर हाँ सर, बस यही कहना चाहेंगे कि सर हमारे फादर के नाम जो आर्मी से मिला हुआ है ये हमें मिलनी चाहिए बस। हाँ सर, फादर की ही आखिरी निशानी है और ये मिलनी चाहिए, उसी के लिए हम लोग परेशान हैं। यहाँ पर सभी गवर्नमेंट से भी बात कर लिया लेकिन कहीं कोई रिस्पॉन्स सही से नहीं है। वैसे तो ये सब 2014 का है जो पट्टा हमें मिला है, लेकिन बीच में जितने लोग हैं नापने वाले थे तो वो सही से नापते भी नहीं थे, और नापने के बाद इधर हम लोग कहते नाप दो तो वो नापते भी नहीं थे, बिल्कुल भी ना नापते थे। और दूर गाँव के लोग में कुछ हेल्प करते थे कि कब्जा सर कब्जे में हुआ ही नहीं अभी तक, बस हमारे नाम से हमारे फादर के नाम से लागू किया गया। अगर नप जाता तो कब्जा होता, नपता नहीं सर कोई लेखपाल और कोई जो कान को सर कोई नापते सही नहीं थे। अब बीच में जब इन्होंने गांव के जो जिन्होंने बेचा हुआ है इन्होंने जब ये बना रहे थे बाउंड्री, तो इसमें पूछा भी था हमने कि सर अब बाउंड्री में हमारी जमीन नपी नहीं थी, तो इसमें जी ये प्रकरण यहाँ पे दो पक्ष हैं, एक पक्ष द्वारा बैनामे से भूमि ली गई है और दूसरा पक्ष जो है उसी के पीछे उनका बट्टा हुआ है। तो बट्टेदार जो है उनका कहना है कि हमें रास्ता और सड़क में हमारा बट्टा हुआ था
और जो बैनामेदार है उनका ये कहना है कि हमने बाउंड्री वॉल लगा हुआ बैनामेदार है, तो इसी विवाद को लेकर के वहाँ पे बच्चे की भी जाँच कराई जा रही है और इनके बैनामे की भी जाँच कराई जा रही है। फिलहाल काम किसी भी प्रकार की गतिविधि मौके पर 7 तारीख तक रोक दी गई है, कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा। दोनों पक्षों की जाँच करा करके और उससे बात करके जो भी तथ्य सामने होंगे नियमानुसार कार्रवाई।